तो चलो स्टूडेंट्स आज हम लोग वेलोसिटी ऑफ साउंड पढ़ेंगे जैसे कि मैं तुम लोगों को बता ही दिया था कि इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगा और ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए मैंने सोचा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड को बहुत सारे पट में डिवाइड किया जाए आज मैं तुम लोगों को जितना बोलूँगा वो तुम लोगों के लिए पूरा पूरा काफ़ी रह जाएगा सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए जब वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है ये तीनों मटेरियल में चल सकता है सॉलिड पे लिक्विड पे एंड गैसेस पे इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के पास सॉलिड एंड गैसियस सब्सटेंस क्योंकि गैस में जैसा जाता है लिक्विड में उसी तरह ही जाता है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस ये वाला टॉपिक खत्म नहीं होगा इसीलिए मैंने सोचा है कि कल ये वीडियो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस वो भी लाया जाए ठीक है कल हम क्या करेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस पढ़ेंगे आज थोड़ा मोटा कंसेप्ट ले लेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस लेकिन कल हम लोग पूरा पढ़ेंगे और साथ ही साथ मैंने तुम लोगों को ये जो नोट्स तुम लोगों को लिखा रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ ये तुम लोगों को एन बुक में नहीं मिलेगा मैंने पहले ही बता चुका हूँ क्योंकि ये आई लेवल का नोट्स है और मैंने जो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो भी आई लेवल का ही है तो चलो वेलोसिटी ऑफ साउंड शुरू करते हैं और क्लियर कट कन्सेप्ट हम लोगों का ले लेते हैं तो चलो देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया इज़ डिफरेंट अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है मतलब जो वेलोसिटी होता है ना वो मीडियम अगर चेंज होगा मान लो एक काठ है ठीक है वुड है एक वुड है और एक लोहे का पूरा पाइप है तो किसमें ज़्यादा साउंड तुमको सुनाई देगा वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है बट इन अ गिवन मीडियम इट्स वैल्यू इज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ जो साउंड का जो वैल्यू होता है वो एक पर्टिकुलर गिवन मीडियम के लिए कॉन्स्टेंट होता है अलग अलग मीडियम के लिए अलग होता है एक गिवन मीडियम के लिए कंस्टेंट होता है एंड ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है वो है इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ये दो देख लो इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी एंड डिपेंड्स ऑन मेनली टू प्रॉपर्टीज इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी इसी के ऊपर डिपेंडेंसी है ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड है यहाँ पे इलास्टिसिटी और डेंसिटी का बहुत बहुत बड़ा मतलब काम है ठीक है अब देखो अगर तुमने एज्यूम किया इफ़ द मीडियम इज़ होमोजेनस तुम ले अगर एज्यूम करो एक मीडियम है जिसमें तुम साउंड भेजोगे वो मीडियम जो है वो है होमोजेनस अब तुमको वो तुम बोलोगे कि होमोजेनस क्या होता है देखो होमोजेनस वही होता है जो एक ही सब्सटेंस से बना होता है ठीक है उसी को बोलते हैं होमोजेनस इट्स डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी डू नॉट चेंज क्यों चेंज होगा अगर अलग अलग सब्सटेंस से नहीं बना है तो उसका इलास्टिसिटी भी नहीं चेंज होगा और डेंसिटी भी नहीं चेंज होगा लेकिन जब होमोजेनस सब्सटेंस होगा तो उसका इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी कोई चेंज नहीं होगा ठीक है उसमें एक ही सब्सटेंस है इसीलिए इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी चेंज नहीं होगा इसीलिए वहाँ पे जो वेलोसिटी होगा साउंड का वो रिमेन कंस्टेंट रहेगा यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ जो देख लो इफ द मीडियम इज होमोजेनस इट्स डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी डू नॉट चेंज विद द डायरेक्शन एंड सो द वेलोसिटी ऑफ मीडियम इज कंस्टेंट ठीक है तो चलो इतना तो तुमको समझ में आ गया कि क्या क्या बातें बोले वेलोसिटी ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है और ये कंस्टेंट तभी होगा अगर एक मीडियम पर रहेगा एक ही एक ही किसी ऑब्जेक्ट पर रहेगा जैसे कि एक होमोजेनस सब्सटेंस पे और जो मेन दोनों प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है वो होता है इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी किसी किसी भी सॉलिड का वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर चाहोगे तो वो डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी के ऊपर इसी से हम लोगों का लॉ बनेगा ठीक है इन सॉलिड्स द वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रांसवर्स वेव ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है तुम लोगों का क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि कौन सा वेव ज़्यादा बड़ा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रांसवर्स वेव सॉलिड के ऊपर जो जाता है ना लॉन्गीट्यूजनल वेव ज़्यादा चले जाता है इसका अगर प्रूफ तुम चाहोगे तो तुम देख सकते हो जो अर्थक्वेक हम लोगों का होता है उसी अर्थक्वेक में जब वेव निकलता है सिस्मिक स्टेशन पे जब पहुंचता है अगर तुम ग्राफिकली देखोगे ऐसे तो तुम लोग देख नहीं पाओगे वेव को कोई देख नहीं पाता ठीक है तो वो जो वेव होता है वो देखोगे बुक पे पैरालली होगा और पैरल वेव क्या होता है लॉन्गिट्यूजनल वेव होता है इसीलिए यहाँ बताया गया दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट ऑफ प्राइमरी सच सॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द अर्थक्विक विच इज लॉन्गिट्यूडनल और जो सेकेंडरी वेव होता है वो ट्रांसवर्स होता है और ये लॉन्गिट्यूडूनल सबसे फर्स्ट मूव करता है ठीक है यही बताएगा इसीलिए मैंने ये लाइन लिख के रखा वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ग्रेटर ज़्यादा होगा इसका वेलोसिटी ज़्यादा है लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो वेलोसिटी होता है ना वो ज़्यादा होता है ट्रांसवर्स वेव का इन केस ऑफ सॉलिड ठीक है अब बात पे आ जाते हैं देखो आइजक न्यूटन की कुछ लॉज है लॉज मतलब उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किए थे वेलोसिटी ऑफ साउंड वही हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में आइजक न्यूटन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ठीक है और ये आइजक न्यूटन सभी जगह में तुमको दिखेगा ठीक है तो चलो कोई बात नहीं स्टार्ट करते हैं सर आइजक न्यूटन गेव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया था ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड का है ना उसके ऊपर एक एक्सप्रेशन दिए सर फॉर द वेलोसिटी ऑफ वेब इन इलास्टिक मीडियम इलास्टिक मीडियम के लिए उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया था और वो उसी एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे वी इक्वल्स टू उन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया था वी इक्वल्स टू रूट ओवर ई बाई डी स्मॉल एट डी एंड कैपिटल ई ठीक है एक बार फिर बोल देता हूँ वी इक्वल्स टू रूट ओवर कैपिटल ई बाई स्मॉल एट डी ठीक है यहाँ पे जो वे, वे होता है ये वेलोसिटी ऑफ वेब होता है और ई e होता है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम डी होता है डेंसिटी अब तुम बोलोगे कि इस एक्सप्रेशन का सर डिडक्शन दिखाइए देखो इस एक्सप्रेशन का डिडक्शन अभी के लिए तुम्हारा जरूरत नहीं है ठीक है जितना ज़रूरत है उतना दे सक दे तुम्हें मैं दे रहा हूँ इसका डिडक्शन मुझे अभी तक उतना भी किसी एग्जाम पे भी नज़र नहीं आया और कभी ये पढ़ता भी नहीं ठीक है तो तुम्हें बस जान लेना है क्योंकि इससे जो न्यूमेरिकल्स बनता है ना बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनता है इसीलिए मैंने तुम लोगों को ये सारे चीज़ें बताता हूँ वहाँ पे दे देगा कि इलास्टिसिटी इतना है डेंसिटी इतना है बताओ उसका वेलोसिटी कितना होगा ऐसे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन अलग तरीके से आता है क्वेश्चन एकदम सीधा तरीके से नहीं आता कि वे मोशन इतना है टाइम इतना लगा तो वेलोसिटी बताओ वैसे एन लेमडा से तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग जब हायर लेवल न्यूमेरिकल्स करोगे तो वहाँ पे तुम लोगों को ये ज़रूरत पड़ेगा इसीलिए मैं बता रहा हूँ और वो होता है ये जो लॉ दिख रहा है ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है यही होता है इसी फार्मूला पे फेंकोगे तो हो जाएगा ये होता है v इक्वल्स टू रूटोवर ई वाई डी ठीक है ये न्यूटन ने बताया और देखो इन द केस ऑफ सॉलिड सॉलिड में ये जो इलास्टिसिटी होता है दैट इज मेजर्ड इन द यंग मॉड्यूलस ये जो इलास्टिसिटी ये यंग मॉड्यूलस पे मेजर करता है क्यों बताते हैं देखो इलास्टिसिटी का मतलब होता है स्ट्रेस बाई स् ट्रेन और ये जो स्ट्रेस वाइज स्ट्रेन होता है वो फिर यंग मॉड्यूलस होता है यानी कि E इक्वल्स टू वाई फाइनली क्या आ गया E इक्वल्स टू वाई तो E के जगह पे हम लोग Y लिख सकते हैं हाँ कि ना बताओ ये तो हम लोग लिख सकते हैं ना V इक्वल्स टू रूट ओवर वाई बाई डी वेर एज Y इक्वल्स टू ई एंड Y क्या है यंग मॉड्यूलस है यंग मॉड्यूलस और इलास्टिसिटी सेम होता है सॉलिड के लिए ठीक है याद रख लो और एक चीज़ यहाँ पे देख लो यहाँ क्वेश्चन भी आता है व्हेन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस आर कम्पेयर टू डेंसिटी इज मैक्सिमम इन सॉलिड अगर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज को कम्पेयर किया जाएगा तो उसका उसमें सॉलिड का ज़्यादा डेंसिटी रहेगा और सबसे कम जो डेंसिटी रहेगा वो गैस का रहेगा ठीक है येट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज सॉलिड इज मैक्सिम ये जब मैप बता दिए ना डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है तो सॉलिड में ज़्यादा डेंसिटी होगा तो उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगा ठीक है मैक्सिमम रहेगा और इलास्टिसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या उस उसी में ज़्यादा इलास्टिसिटी है ऐसे तुमको गैस में इलास्टिसिटी नहीं दिखेगा पर फर फिर भी हम लोग एज्यूम करते हैं उसका प्रेशर से वो भी हम लोग पढ़ेंगे इसी के बाद है और जो इलास्टिसिटी ऑफ द सॉलिड इज़ मेनी मोर टाइम्स लॉन्गर सॉलिड का इलास्टिसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है देन लिक्विड एंड गैसेस ठीक है तो दस तुम ये बता सकते हो द इलास्टिसिटी टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन लिक्विड्स एंड गैसेस हेंस क्या होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर सबसे ज़्यादा होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड सबसे ज़्यादा होता है ठीक है गैसियस एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसियस ठीक है इन सबसे ज़्यादा होता है ठीक है इतना समझ में आया इतना समझ में आया कि नहीं बताओ ये जो लॉ है ये एक्सप्रेशन है ये तो एकदम ईजी एक्सप्रेशन है ना v इक्वल्स टू रूट ओवर ई बाई डी ई क्या होता है इलास्टिसिटी होता है ऑब्जेक्ट उसी ऑब्जेक्ट का इलास्टिसिटी और डी उसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी तो निकल जाएगा भाई वेलोसिटी और एक फार्मूला तुम लोग याद है ना v इक्वल्स टू एन लैमडा वो एक प्राइमरी फार्मूला होता है उसके साथ साथ न्यूटन ने ये सारे फार्मूला निकाला था वही इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी के हिसाब से ठीक है तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसमें साउंड ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा होगा ठीक है तो यही अब चले आओ गैसेस के लिए इन केसेस ऑफ गैसेस द इलास्ट्रिसिटी फैक्टर फॉर गैस इज इट्स प्रेशर ये मैंने तुमको पहले ही थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट दे दिए थे यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होता है ना एक्चुअली देखो गैसेस का कोई इलास्टिसिटी नहीं होता है उसका प्रेशर को हम लोग एज्यूम करते हैं इलास्टिसिटी से इलास्टिसिटी फैक्टर फॉर गैस इज इट्स प्रेशर सो द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ गैस वॉज डिराइड बाई न्यूटन उन्होंने तब क्या कर दिया जस्ट इलास्टिसिटी के जो था प्रेशर बना दिया न्यूटन ने ये एक डिराइव किया था इलास्टिसिटी के जगह जस्ट प्रेशर कर दिया और कुछ नहीं पूरा फॉर्मूला का फॉर्मूला सेम है वीक्वल्स टू रूट ओवर पी वाई डी जहाँ पर इलास्ट्रिसिटी फैक्टर को प्रेशर से माना जाता है इसीलिए प्रेशर को पी लिखा गया ठीक है इतना समझ में आया अब देखो सर आइजक न्यूटन ने एज्यूम किया था दैट वेन आ साउंड वेव प्रोपागेट्स थ्रू गैस आइजक न्यूटन ने ये एज्यूम किया कि अगर किसी भी साउंड वेव जब गैसियस से प्र... प्रपागेट करता है द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन वॉल्यूम वेर आइसोथर्मल उसमें जो चेंज होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे सेम होता है ये आइजक न्यूटन का एजाम्सन है आइजक न्यूटन बहुत सारे एजाम्सन बनाता है ना उसी में से एक है कि आइजक न्यूटन एज्यूम दैट वेन साउंड वेव प्रोपागेट्स थ्रू गैस जब ये गैस से साउंड वेव प्रोपागेट करता है द चेंजेस दैट टेक प्लेस उसमें जो चेंज होता है वो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में होता है ये वहाँ का जो वॉल्यूम का चेंज होता है वो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के लिए होता है ये आइज़ेक न्यूटन एज्यूम किया था बट ये प्रूव हो गया कि ये गलत है इट वॉज़ प्रूव टू बी रॉन्ग ये गलत है याद रख लो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस एज प्रीज्यूम्ड बाई न्यूटन एंड कैलकुलेटेड फॉर हिज फॉर्मूला वो फाउंड टू बी टू एट्टी मीटर पर सेकेंड कि वो गलत हुआ वो भी बता रहा हूँ देखो इसके बाद वाला लाइन पे देखो कि न्यूटन ने जो कैलकुलेट किया था अपने फार्मूला से उन्होंने जो एजम्पन कर किया था उससे फार्मूला बना था ना वो वीकल्स टू रूट ओवर ई वाई डी हाँ उससे क्या हुआ जो उनको जो गैसियर सब्सटेंस में 280 मीटर पर सेकेंड निकला कैलकुलेशन करके निकला तो 280 मीटर पर सेकेंड बट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया उसके ऊपर वही चीज़ को साइंस में क्या होता है एक चीज़ तुम बोल दोगे तो नहीं होगा उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ता है तो एक्सपेरिमेंट जब किया तब क्या आया थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड तो गलत आ गया ना दोनों में सेम आना चाहिए दोनों में सेम आना चाहिए और साउंड का जो वेलोसिटी होगा वो गैस या सब्सटेंस में सेम आना चाहिए लेकिन उसका तो कैलकुलेशन एक और बोल रहा है और एक्सपेरिमेंट एक और बोल रहा है इसीलिए न्यूटन ने लास्ट तक को हार गया मतलब उनको वो फॉल हो गया फॉल्ट हो गया इसीलिए साउंड चैप्टर में न्यूटन का उतना नाम नहीं है ठीक है मतलब यहाँ पे कहानी बहुत है ठीक है लेकिन मैं जितना हो सके उतना तुम्हें बता रहा हूँ उन्होंने गलत प्रूव हुआ ठीक है अब कौन आके उसे सही किया कोई तो कोई तो होगा क्योंकि साइंस का लॉ है कि किसी ने अगर खराब किया मतलब गलत कर दिया तो दूसरा जनों आके उसे ठीक कर दिया गया उसका नाम है लाप्लेस सो so, अब आ जाता है लपलेस का मॉडिफिकेशन हम सोचे थे इसके ऊपर अलग टॉपिक बनाएंगे लेकिन देखो लपलेस का मॉडिफिकेशन इसी से रिलेटेड है तो बना दिए क्या बात है तो चलो जो भी है यहाँ पे जो लपलेस ने क्या किया ये जो साउंड का वेलोसिटी होता है उसके वो सेम था पूरा लॉ सेम था पूरा लॉ न्यूटन के तरह था लेकिन उन्होंने क्या किया एक मजे की बात किया उन्होंने क्या किया यहाँ पर कंस्टेंट लगा दिया जी कंस्टेंट लगा दिया तब क्या हो गया G इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन गैस ये G क्या है कॉन्स्टेंट लगा दिया उन्होंने बस कुछ भी नहीं किया जस्ट एक कॉन्स्टेंट लगाया गिवन गैस एंड इट इज डिफाइंड एज द वो जो G होता है ना उसको उन्होंने कैसे डिफाइन किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन्होंने डिफाइन किया द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो जो गैस है उसका स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी एट कंस्टेंट टेम्परेचर से उसका स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी एट कंस्टेंट वॉल्यूम का जो रेशियो होगा उसी को जी का वैल्यू उन्होंने पकड़ा है इसका मतलब होगा जी इक्वल्स टू स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी ऑफ कंस्टेंट वॉल्यूम बाय कंस्टेंट टेम्परेचर ठीक है कंस्टेंट टेम्परेचर से उसका कंस्टेंट वॉल्यूम ठीक है ये रेशियो बनाया उन्होंने जी का वैल्यू और जी एक कांस्टेंट लगा दिया और उन्होंने ये फार्मूला फॉर्म form किया इसी को बोलते हैं लाप्लेस का फार्मूला ठीक है दैट इज़ इक्वल्स टू रूटोबर जी पी बाई डी इतना तुम समझ लो ठीक है द मॉडिफिकेशन वॉज डन एज द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन अ गैस आर रैपिड एंड सेड टू बी एडिएबेटिक इन्होंने जो बताया कि उन्होंने क्या किया था एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में वॉल्यूम चेंज हो रहा है भाई और इन्होंने क्या किया वो टेम्परेचर वो टेक प्लेस वो जो चेंजिंग हो रहा था ना विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ हिट वहाँ पे एक हिट हिट का मतलब था लेकिन यहाँ पे कोई नहीं विदाउट एनी ट्रांसफ़र ऑफ हिट ठीक है वहाँ पे जो लापलेस ने क्या फॉर्म किया था लाप्लेस ने ये जी लगा के वहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कर दिया था ठीक है अच्छे से समझो वहाँ पे जस्ट एक कांस्टेंट लगाया और कांस्टेंट का मतलब है स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी टू इसका एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय कांस्टेंट टेम्परेचर ये रेशियो था जी का वैल्यू और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने उनका जो एजाम्सन था उन्होंने बोला था कि भाई एबी एबीए बैटिक होता है एबीए बैटिक होता है एबीए बेटिक मतलब जो यहाँ पे कोई विदाउट एनी ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है और जब उन्होंने ऐसा किया साथ ही साथ क्या हुआ था वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेटेड यूजिंग द लैपलेस फार्मूला उन्होंने जो वैल्यू कैलकुलेट किया था अपने फॉर्मूला से और जो वैल्यू एक्सपेरिमेंट किया था दोनों सेम आ गया तो इसी का भी पकड़ा गया और वो जो वैल्यू है 330 मीटर पर सेकंड है साउंड का वेलोसिटी इन गैस वो भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे मैंने लिखना भूल गया यहाँ पर द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेटेड यूजिंग द लप्लेस फॉर्मूला कॉइनसाइड्स विद द ऑब्जर्व वैल्यू अबटेंड बाई एक्सपेरिमेंटेशन जो एक्सपेरिमेंटेशन में जितना वैल्यू मिला था पर उन्होंने जो कैलकुलेशन किया था उसमें भी सेम वैल्यू मिला था लेकिन न्यूटन का ऐसा नहीं हुआ था ठीक है दिस इज़ कॉल्ड लपलेस करेक्शन इसी को बोलते हैं लपलेस का करेक्शन तुम लोग बस इतना याद रखो उतना डिटेल्स में नहीं जाने का ज़रूरत है तुम लोग बस इतना याद रखो जो वेलोसिटी होता है वो न्यूटन ने एक बताया था क्या रूट ओवर पी वाई डी इन गैस इन केस ऑफ गैसेस लेकिन उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करने गया तो गलत फार्मूला आ गया मतलब वहाँ पर देखा कि अलग अलग आ गया मतलब जो उन्होंने कैलकुलेसन से बनाया था वो नहीं आया इसीलिए उसको रॉन्ग कहते इसीलिए लपलेस ने करेक्शन कर दिया था वहाँ पे जी कांस्टेंट लगा दिया था तो तब जो वैल्यू है वो दोनों में सेम आ रहा है और ये जी क्या होता है जी होता है स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी ऑफ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी टू कांस्टेंट टेम्परेचर टू स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी एट कंस्टेंट वॉल्यूम दिस इज द रेशियो याद रख लो इतना ठीक है लपलेस करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो थैंक यू आज की बात यहाँ पर ख़त्म करते हैं बहुत टाइम हो गया ठीक है तो इतना याद रखो वेलोसिटी ऑफ साउंड पहला जो इलास्टिसिटी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है फिर जो ये तुम लोगों को मैं बताए जो आ, जो एक्सप्रेशन ये सारे याद रख लो क्योंकि बहुत 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 काम आने वाला है न्यूमेरिकल्स करने में और जो मेन प्राइमरी जो इक्वेशन है वो अच्छे से याद रखो एक्सप्रेशन वो है वीकल्स टू एन वो तो मेन इक्वेशन है मेन प्राइमरी इसके साथ साथ मैं ये सारे बता रहा हूँ तुम लोगों को तो चलो आज की बात यहाँ पे ख़त्म करते हैं थैंक यू बाय बाय